उत्तर भारत का मौसम बहुत तेजी से करवट बदल रहा है। जहां एक तरफ धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली में तेज हवा चलने की संभावना जताई है। ऐसे में राजधानी का मौसम आज और कल लोगों के लिए आफत भरा रहने वाला है। हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रह सकती है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी हुई है और सर्दी सुबह शाम में भी लगभग अंतिम दौर में है। इससे पहले मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन बारिश नहीं हुई। 8 मार्च से मौसम खुलने का अनुमान है। बारिश नहीं होने के बावजूद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले 24 घंटे में काफ़ी सुधार देखा गया है, जो हवा की गति बढ़ने के साथ मध्यम श्रेणी में आ गई है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 172 है। आपको बता दें कि AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।